हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं जो आपका इनकम टैक्स यूनिट है, ओके, जो भी आपकी इनकम टैक्स यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 10। तो ये इनकम टैक्स यूनिट के अंदर इनकम टैक्स के साथ साथ दो चीज़ें और ऐड की गई हैं फ्रॉम जून 2019, और वो क्या क्या हैं? कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के साथ साथ कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग भी अब पढ़ना है और इंटरनेशनल टैक्सेशन भी पढ़ना है। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन भी कवर किया है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल पाए कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, सो जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20 सैलरीड पर्सन विल बी एलिजिबल फॉर अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया है असेसमेंट ईयर 2019-20 से, दैट इज जो अभी करेंटली आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है, यहाँ पे जो सैलरीड पर्सन है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो देखिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या। देखिए, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, ओके, 2018 के बजट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, और 2018 का बजट प्रेजेंट किसने किया था? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ओके, तो 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा उसका? असेसमेंट ईयर 2019-20। ओके, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का प्रोवाइड किया गया था? 40,000 रुपीज़ का। 40,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड किया गया था टू द सैलरीड इंडिविजुअल्स। नाउ अब यहाँ पे एक और मेजर चेंज भी लाया गया था। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ आपको एक एग्जम्पशन जो प्रोवाइड की जाती थी उसको हटा लिया गया था, और वो कौन सी एग्जम्पशन थी? ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जम्पशन। ओके, देखिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था इसके अंदर जो भी नॉर्मल पीपल होते हैं, जो भी नॉर्मल इंप्लॉयज हैं, इनको 1600 पर मंथ की एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाता था। ओके, अगर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है फ्रॉम इम्प्लॉयर, तो यहाँ पे अगर उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है इम्प्लॉयर से अपने, तो उनको एग्जम्पशन कितनी थी? 1600 पर मंथ की। और अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एग्जम्पशन कितनी दी गई थी? 3200 पर मंथ की। तो इतनी एग्जम्पशन की गई थी अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और जो नॉर्मल इम्प्लॉयज हैं उनको 1600 पर मंथ की। तो इसको हटा लिया गया था बेसिकली स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के साथ, जो ये 1600 पर मंथ की डिडक्शन है जो कि नॉर्मल एम्प्लॉयज को मिलती थी, इसको हटा दिया गया था, और इसकी जगह स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका अमाउंट था 40,000 रुपीज़ पर मंथ। बट जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं इनको अभी भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 पर मंथ अलाउड है, वो मिलता है। ओके, चलिए, तो ये एक मेजर चेंज लाया गया था। नाउ अब इसके अंदर एक और मेजर चेंज है। देखिए, ये जो असेसमेंट ईयर ये है 2019-20, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2018-19। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2019-20 का। ओके, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 2020-21 का, दैट इज नेक्स्ट ईयर से। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो फाइनेंशियल ईयर होता है करंट का, इसी के बजट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है कि जो इस फाइनेंशियल ईयर का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो कितना होगा। तो बजट 2019 के अंदर इस स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर चेंज भी लाया गया, इसके अमाउंट को चेंज कर दिया गया। अब ये जो अमाउंट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, तो इसको कितना किया गया है आप इसे कमेंट में करके बताइए हमें। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21, ये आप हमें कमेंट में करके बताइए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अब कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपसे क्या कह रहा है, गिवन दैट फेयर रेंट ऑफ ए लेट हाउस प्रॉपर्टी इज ₹75,000। तो यहाँ बोला गया है आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो यहाँ उसका फेयर रेंट कितना है? 75,000। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है उसकी? 60,000। एंड स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 72,000। और जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है वो कितना है? 63,000। अब हमें बताना है कि इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। ओके, सो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका एक हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकलती है उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है, बट टैक्स देने से पहले उस हाउस प्रॉपर्टी की आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। ओके,
तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन चारों प्राइजेस के बेसिस पे निकाली जाती है। ओके, तो यहाँ पे इन चारों प्राइजेस के बेसिस पे आपका जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका फेयर रेंट है और जो आपका म्यूनिसिपल वैल्यू है, इन दोनों में से हायर कौन सा है। ओके, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में से हम हायर को लेते हैं और हायर वाला आपका क्या माना जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। ओके, इस पर एक्सपेक्टेड रेंट माना जाता है बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल रेंट हमें नहीं पता अभी। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए आपका फेयर रेंट आया कितना, 75,000 जो कि हायर है। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को जो कि आपका फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके निकला है, इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है आपका, 72,000। अब स्टैंडर्ड रेंट होता क्या है, देखिए स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर डिफाइंड है कि किसी भी एरिया के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी का मैक्सिमम रेंट कितना हो सकता है, दैट इज जो लैंडलॉर्ड है वो टीनेंट से इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रेंट है इससे ज्यादा रेंट हो नहीं सकता, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट है इसमें से आपको लोअर लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले स्टेप में आपको क्या करना है, हायर लेना है फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू का। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको लोअर लेना है एक्सपेक्टेड रेंट का और स्टैंडर्ड रेंट का। तो यहाँ पे आपका लोअर कितना है, 72,000। नाउ स्टेप थ्री, लास्ट स्टेप क्या है आपका, जो भी आपका स्टेप टू के अंदर आया है इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। ओके, और एक्चुअल रेंट और स्टेप टू के रेंट को कंपेयर करना है और जो कमाएगा वो आपको ले लेना है। ओके, इसके अंदर फर्दर कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाता है तो यहाँ पे आप स्टेप टू को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टेप टू में आपका आया है 72,000, बट आपको एक्चुअली में कितना रिसीव हुआ है, 63,000। तो यहाँ पे जो जीएवी होगा वो कितना होगा, 63,000। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपसे क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंडिविजुअल ऑफ 55 ईयर ऑफ एज हैविंग ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 3,50,000। ओके, तो यहाँ पे उसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जून 2019 के अंदर, तो जून 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्स एक इंडिविजुअल है जिसकी एज है 55 ईयर, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट है। देखिए यहाँ पे तीन स्लैब होते हैं इनकम के, अगर आप 60 ईयर से लेस हैं, अगर आप 60 से 80 के बीच में हैं और अगर आप 80 से अबव हैं। ओके, तो यहाँ पे तीन स्लैब्स होती हैं, बट यहाँ पे ये नॉर्मल में आ रहा है। ग्रॉस टोटल इनकम है 3,50,000, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी बतानी फॉर द असेसमेंट ईयर 2018-19, दैट इज फाइनेंशियल ईयर इसका क्या है, 2017-18। ओके, सो देखिए यहाँ पे 2,50,000 तक की जो इनकम होती है ये एग्जम्प्ट होती है, 2,50,000 से लेके 3,50,000 तक इसकी इनकम है, तो यहाँ पे इसको 5% टैक्स पे करना है। ओके, तो देखिए ये जो डिफरेंशियल है दैट इज 1,00,000 रुपीज का, इस पर 5% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 5,000 रुपीज। ओके, 5,000 रुपीज, तो इतनी की उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। बट अब इसके अंदर से हम डिडक्शन भी माइनस करेंगे। देखिए रिबेट प्रोवाइड किया जाता है अंडर सेक्शन 87A किसको, देखिए अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की, तो इस समय जो आपका रिबेट चल रहा था दैट वाज 2500 अप टू द इनकम ऑफ 3,50,000, दैट इज अगर आपकी इनकम 3,50,000 तक की है तो आपको अंडर सेक्शन 87A के अंदर रिबेट प्रोवाइड की जाएगा कितने का, 2500 रुपीज का, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसमें से। ओके, तो यहाँ पे 5,000 तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी है और इसमें से आपको रिबेट दे दिया गया 2500 का, तो यहाँ पे आपको नेट टैक्स कितना पे करना है, 2500 का। अब देखिए इसके बाद आप इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, एजुकेशन सेस। ओके, सो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2017-18 है, इस समय एजुकेशन सेस कितना था, 3%, अब कितना हो चुका है, 4%, बट हमें तो यहाँ वाला लेंगे फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अंदर वाला, दैट इज 3%, तो इसका आप 3% निकालेंगे तो आपको कितना आएगा, 75। ओके, तो एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद इसका हो जाएगा 2575। अब ये 2575 नेट टैक्स पेबल है बट ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज सेक्शन 288B। ओके, तो यहाँ पे 288B में क्या बोला गया है कि जो आपका टैक्स होगा, दैट इज जो आपको नेट टैक्स पे करना है, वो राउंड ऑफ हो जाएगा नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, दैट इज इसको राउंड ऑफ करके 2580 कर दिया जाएगा, और ये किसके अंदर मेंशन है, अंडर सेक्शन 288B के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आपको टैक्स कितना पे करना होगा, 2580। ओके, तो मिस्टर एक्स की टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 2580 की। ओके, चलिए तो देख सकते हैं आप कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, R, who is entitled to the salary of 10,000 per month, took an advance of 20,000 against the salary in the month of March 2019. So, यहाँ पे basically क्या किया है, R ने अपनी salary को advance में ले लिया है, इसकी salary कितनी है, 10,000 per month, okay, तो उसकी yearly salary कितनी हुई, 1,20,000, but उसने 20,000 advance में लिया है, तो यहाँ पे उसको पास financial year के अंदर कितनी salary होगी total उसकी, 1,40,000 की. अब आपको ये बताना है कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2009-2010 उसको जो टैक्स पे करना है वो कितना पे करना है. ओके, तो उसको 1,20,000 पे करना है या 1,40,000 पे करना है. तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. तो आई एक्सपेक्ट कि आप इसको गूगल करें और आप इसका आंसर हमको कमेंट में करके बताएं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट कम अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सो अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो आपको 80C से लेकर 80U तक सर्टेन डिडक्शंस प्रोवाइड की गई हैं. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी डिडक्शन सेक्शन 80 के अंदर नहीं आती है. ओके, तो देखिए पहला है आपके पास डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. तो कोई भी पर्सन अगर डिसेबल्ड है तो उसको सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी. देखिए उसको डिडक्शन मिलेगी, ओके, अंडर सेक्शन 80U. बी क्या है, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन. अगर किसी ने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो उसको क्या सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शन मिलेगी. यस मिलेगी उसको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. नाउ थर्ड है डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. ओके, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई भी पर्सन लोन ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए क्या उसे डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी. देखिए उसे डिडक्शन तो मिलेगी बट सेक्शन 80 के अंदर नहीं मिलेगी, उसको मिलेगा सेक्शन 24 के अंदर. ओके, तो ये आपका सेक्शन 80 का पार्ट नहीं है. दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, डी देख लेते हैं एक बार, डिडक्शन फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है और उसकी जो प्रिंसिपल उसको पे करना है तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट में क्या उसको कोई डिडक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता. तो उसको मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C. ओके, तो ये सारे आपके अंडर सेक्शन 80 आ रहे हैं बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सेक्शन 24 का पार्ट है. ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे. जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आई एक्सपेक्ट कि आप हमें कमेंट में आंसर करके बताएंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स से फर्दर क्वेश्चन को कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच.